सभी दोस्तों को नमस्कार। जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार की सुबह के बज रहे हैं जी 5:30। हम खड़े हैं यहाँ बंडपुरी इंतजार में मिस्टर ऋषि बिश्नोई के, आने वाले होंगे 1-2 मिनट में। तो जी आ गई है मोटरसाइकिल। राम राम साहब, उठाओगे दूसरा आदमी को? तो जी पहुँच गए हैं जिम में। तो जी वर्कआउट तो लगा लिया है आज, बैक का लगाया तो ढंग से है ना, क्योंकि जिम में लाइट की बंदोबस्त है नहीं। आज इन्वर्टर डाउन करके शाम जो आए लड़के रात में, असल में सूर्य लाइट से चार्ज हो गया है वो, तो अंधेरे में हम मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का। डेड लिफ्ट वगैरह छोड़ दी है वो, बेमन लगाना ठीक ना, कमर बोल जाएगी उसमें। और आज जी मंगल भी है तो आज फास्ट है अपना, तो इसलिए ऊर्जा का भी मेंटली तो सुबह से स्टार्ट हो जाए ऊर्जा का अभाव। आओ जी मिस्टर हरिंदर, चलो जी क्वार्टर ही तक वो ना आया, सभी भी मैं आया तो सब जगह तुम्हें क्वार्टर मिलेंगे पड़े हुए जगह कूड़े का वाड़े में। जिंक के अंदर सिगरेट? अच्छा सिगरेट भी डाल लेगा, फायदा दे रहेगा प्री वर्कआउट में? अच्छा पड़ी थी। चलो जी। तो जी पहुंच गए भंडपुरी जंक्शन, अब यहाँ से ट्रेन पकड़ लेंगे, बदल लेंगे अपनी और चंदी एक्सप्रेस पकड़ लेंगे। हाँ भाई मिस्टर पपला, साइलेंट कर रखकर रखता हूँ तो हाँ जी। अभी यहाँ नवजात शिशु है तुम्हारे पास, इसलिए हम ठोका पीटी नहीं करते हैं गेटों की। तुम चाहते हो कि हम सब क्लीन खलल कर दें यहाँ पूरे मोहल्ले की? अरे भाई गाड़ी कहाँ आई? अब तो दिखाने देखो कितने गद्दार आदमी है, गाड़ी लिया है नहीं, देखो गाड़ी लिया है दावत केवल ना दावत ने दे में, इसलिए नहीं बता रहे कि गाड़ी लिया है कल। नहीं यार तुम्हें बताई नहीं मैंने, मैं कब मन के वो तो बताई थी कि ला रही हूं, बताई कि जा रहा हूं मैं, ये तुमने यूं नहीं बताया कि मैं आ ही रहा हूं। अब चलो इनकी गाड़ी का मुआयना कर लें। भाग ला रहे हो क्या? बाहर को निकाल लो, बाहर को रहने दो यार, अंदर ही देख लेंगे। हाँ अब हाँ अंकित बाबू चलो मुआयना खरीद लो इनकी यार गड्डी का, तुम्हें तो अंदर खड़ी कर दी यार ये, चाहिए शाम शाम को देखेंगे चला कर शाम को। अंदर पहले तुमने तो आधी इसमें पैसे लगाने शुरू कर दिए, मुझे लगा रविंग करवा दी थी क्या इसकी, पेंट करवा दिया? रवि नहीं करवाई, वो है जो है ना पूरी वो इस तरीके से पूरी पेंट है वो हट गई थी, पेंट कर पेंट अलग दिखाई दे रहा है इसकी, रविंग करवाओ गाड़ी की, मतलब आप इसमें कर दे अच्छी तेजी तो रविंग करवानी पड़ेगी पूरी गाड़ी की, जब ये थोड़ा बहुत मैच करेगी तो वो कहा तुम कर लिया परसों लाया तुमने आते इसमें फिर पैसे लगाने शुरू कर दिए। अरे पैसे हो गए सुधरे ने कोई बंदे हो गए दौलत तो ना पर पैसा होगा तो ना, तब तो रात इज्जत अंधेरे में क्या दिखाई दे रहा है, आज में कुछ भी दिखाई देगा। अब ये बताओ दावत कब दे रहे हो इसकी गाड़ी की तुम अपनी? दावत जब नहीं है यार, लाइव जो है ना दावत पे, लाइव में दावत का वादा नहीं करेंगे आज तो दो मत, ठीक है ना, क्योंकि आज हम कुछ खा नहीं पाएंगे, आज मंगलवार है व्रत फास्ट है। हाँ तुम कुछ ना आज तो खिला देंगे, ये पता मंगल का ना तो मंगल में क्या हंसता लस्सी पी लिया आदमी क्या कर लेगा। बाकी जी प्रकृति के माथे पे बिंदी लग गई, देखो सामने सूरज देवता पधार चुके हैं। अब यहाँ जो फैक्ट्री है उसमें देख लियो, हाँ भैया चलो तो देख लो आज, आज पता ना तुम्हारी हुंडई वाले जो हॉर्न वॉर्न गा रहे थे वो देख के लाऊंगा, हुंडई का हॉर्न जरूर लगवानी बस। अच्छा अच्छा किस टाइम चलोगे? 10 चलो फोन ठीक है तो चलेंगे, मैं चलोगे बाइक के सब चलो चलेंगे तो फिर चलेंगे ठीक है। तो पक्का रहा मामला 10:30 आज ही उस टाइम पे तो भैया रहेगा वहाँ बस, तो ठीक। तो ये जिम से आने के बाद नहान हो के नाश्ता वाली कर लिया, नाश्ता खैर क्या ही आज तो दूध ही पिया क्योंकि मंगल का व्रत है। भाप सी भी याद लगी मुँह से, अब जाड़ों का असर दिखाई देने लगा उस पर वातावरण में भी। बाकी ये अभी तो कोई काम है ना ऐसा, अभी देखते हैं उस टाइम जहाँ चलने की सोच रहे हैं वो तो चलेंगे वहाँ को।
तो जी इतना लगाएंगे थोड़ी देर लेट। इसका कोनी का दर्द और कंधे का दर्द, कल चेस्ट की वर्कआउट लगाया तो भाई वो फिर उभर आया दर्द, कैल्शियम की कमी हो गई दिखे मुझे लग रहा। तो ये बज रहे हैं 9:45, अपन चल रहे हैं वहीं को जहाँ सुबह का बादल चल रहा है, वो पैदल चल रहा हूँ मैं भंडपुरी, फिर देखते हैं कौन कौन जाएगा। तो ये चल तो रहे हैं ही उधर को, अब प्रिंस बाबू का फ़ोन आया हाथ क्या मुझे भी ले चलियो, तो उनका घर मकान है सामने वो हमीनपुर में पड़ोस का गांव है, और यो है हमारा खेत आम वाला, निकलाओ इसका ही मुआयना कर चले, मुआयना भी करना पड़ेगा इसकी मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर, जब ही पता चलेगा कितना क्या हालात है। तो जी रोक तो खैर व्यापक लगाई है सर, भाई चुप जा भाई तुझे जाने क्या मजा आ रहा है बीच में काँव काँव करने की, बाकी फिलहाल तो जितना सूख गया वो सूख ही गया, रोग तो खैर शहरी में लग गया इसमें, अब तो इसमें कुछ कर नहीं सकते रोग शोक में। खेत तो खैर गीला है अभी, अभी तो पानी जरूरत ना आया, धान जो जी आए है सही टाइम पाए लगे वो तो कटर लगे अब लोगों के, बरसीन की भी तैयारी होगी लोगों की, यहाँ तो अभी धान अभी तो उनमें दूध है धानों में, अभी तो चावल भी ना पड़ा, फिर वो पकेंगे जब चावल बनेंगे खैर, उसके बाद ही खट्टा खाटी हो जाएगी। अब चलते हैं मिस्टर बिश्नोई से मिलते हैं पहले। तो जी अब पहुँच गए भंडपुरी जंक्शन, ले आया हूँ इस फर्जी आदमी को भी, देखो है भाई फर्जी, क्या तुम्हारी मर्जी फर्जी, गलत तो ना कह रहे तुम्हें? नहीं यार आप जो कह दो मैं वही अच्छा। जो कह दो यार, जो ही तुम छवि बनाओगे अपनी वैसी तो वही तो कही जाएगी, इसे खड़ी करेंगे मोटरसाइकिल यहीं को, चलेंगे एक ही मोटरसाइकिल से, वो यहीं है पास में जैदू ना हो फैक्ट्री क्रैप वाली। हेलो भैया, चलो भैया बैठो, आज पैसे निकाला, पैसे निकालता तो लल्ला यार, अब एक तो फ्री में परफॉर्मेंस कर रहे हो तुम, मैं फ्री में वीडियो बना रहा हूँ तो दावत भी देते नहीं तुम, चलो चलो सही है। वहाँ से ले गए यहाँ तक तो हम जो पैदल ही आ गए, अबे तो घर से पैदल ही आ जाते वहाँ से अच्छे खासे, मोटरसाइकिल ले आया वहाँ खड़ी कर ले दूसरे ने, हाँ वो यही कर लेते तू तो पैदल ही हूँ, ये वही सामने फैक्ट्री वो स्क्रैप वाली सामने वाली तो है वो इधर है क्या, अच्छा इधर है क्या, ओहो यार भाई तो धोखा हो गया, नहीं अब ऐसे रास्ते चलाओगे तो आदमी कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, भाई अब जब ऐसे रास्ते से लाओगे तो जो है कन्फ्यूज तो हो ही जाएगा, मैं तो इधर से आया पहले। तो जी पहुंच गए यहाँ, भीड़ था ये अंदर का नमाना है, यो क्षेत्र में स्क्रैप यार्ड, सब गाड़ियों में से काम काम की चीज़ें गायब हो चुकी हैं ज़्यादातर, तमाम स्क्रैप स्क्रैप है, ऑटो फोटो ट्रैक्टर वैक्टर भी बता रहे हैं कोई मुझसे, तो सब खुला बुला पड़ा टाम जाम, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी पड़ी है भाई, लो जी सी एन जी पे, हाँ यार सिलेंडर तो हो रहा सी एन जी का, अब बहुत माल खरीद रहे हैं भैया, तो क्षेत्र में खुल गई है जी हमारे में स्क्रैप, किसी को अगर ज़रूरत हो कोई पुराने सामान की यूज्ड पार्ट्स ऑफ एनी कार तो वो यहाँ से आके ले जा सकता है, हाँ वो तो ढूंढनी है तुम अपने मतलब की चीज़ इसमें, अब बैगनार ना दिखाई दे रही कोई यार, साइड के शीशे वीशे देख लेते उसमें रियर व्यू अगला अगला मेरे छटक गया यार, मुझे भी लेना, टूट गया वो बाहर का खोखला खोखला उतर गया, अच्छा अच्छा वो बाहर वाले आ रहे हैं, वो साइड मिरर की बात कर रहे हो तुम, मिल तो जाएगा 200-250 रुपए का, लेकिन हमारी विंडशील्ड भी तकरीबन में तो खैर नहीं पड़ेगी, यहाँ तो कहाँ मिल रही है सी एस सी, पीछे देखो यार कोई मुझसे बता रहा है महिंद्रा ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ, कोई जंगला वंगला है भैया, देखिए धुरे पुरे कितने जबरदस्त है भैया, ये उसका आर डी सी एम या ट्रक व्रक का,
कपलिंग जिसमें चला है भैया, यहाँ तो पूरा कहाँ। अरे महेंद्र नाम ऐसी है यार वो। जो खड़ा है तो खुला पड़ा भैया। अब यार सीट ले चलेंगे, एक सीट आज तो खैर ना, पर फिर ही आना पड़ेगा किसी दिन। इसका जंगला ना आना, इस पर जंगला ना आना। अरे वो इस पर जंगला ना है तो महेंद्र ही, पर इस पर जंगला ना। फूट फूट का काम इसके अंदर जा रही है। ये है जी इसके अंदर का दृश्य। ऐसे मान लो कोई मोटरसाइकिल गाड़ी होएगी ठीक ठाक, वो बड़ा वजन है इसमें तो हिल भी ना रही हो। ये एक गाड़ी होएगी पूरी, ये एक गाड़ी होएगी पूरी और आधी। अच्छा यो है यो पीस कर रख दिया है यो मशीन। यो है जी इनका टायरों का डिपार्टमेंट। हेलो पड़े थे जी हुंडई गाड़ी के, हुंडई के 18 इंची के। और ये CNG के सिलेंडर निकल लो यार, कभी फटफटा जावे कोई सा, भरी हुई हो कभी कोई सी। तो जी आखिरकार लोगों ने एक काम की चीज़ बहुत खोज ली इन्होंने। देखो आखिरकार देखो वो है ही हो। तो जैसा हाँ। कि आप लोग देख रहे हैं हम आ गए हैं स्क्रैच में। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे अंकित जी? कुछ सामान मिल नहीं रहा है, हॉर्न देख रहे हैं चाह रहे हैं लेकिन हमको हॉर्न नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड हो गई तुम्हारी, अब पहुंच जाएगी मोदी जी तक। ठीक है धन्यवाद। यो डाल तो तुमने। तो जी ऋषभ भाई इन द हाउस, आओ तुम भी देख लो कर रहे हैं। देखो मुड़ा सामान मान के लो रहे तलाश रहे, पूरे उसे छान के मारेंगे आज ये। ये बाकी में स्क्रैप यार्ड है भाई, ये काम की चीज में कुछ ज्यादा है ना है। वो सब ले गए लोग खोल खोल के। और I-10 के तो भाई साहब बुरे ही हाल है, I-10 तो निरी खड़ी है, वैगनार ना है कते भी एक भी। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ आके? अरे ये आदमी मजा लेने के मूड में। तो ये चार आदमियों ने ये दो ढूंढ के लाए आइटम। अब ये रिम तो खैर वापसी कर आएंगे भाई, ये टायर ले आए, टायर इनकी मोटर पड़ेंगे ऋषभ भाई की में, बाकी और कुछ ला पाए हम। तो जी वहाँ से आने के बाद स्क्रैप यार्ड से अब आ गए हम अपने से हेडलर घुमाने अपने खेत पे ही। इसे घुमा के चलेंगे घर को। ब्लॉग हो गया ठीक ठाक लंबा आज का। तो आज के ब्लॉग की तो करते हैं यहीं समाप्ति। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।